हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16-20 आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दो वीडियो में बनाया हुआ था जिसमें क्वेश्चन नंबर 6-10 किए थे, उसके बाद 11-15 किए हुए, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग 16-20 करने वाले हैं। तो अगर पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। और हाँ, आई होप कि आप लोग को ये सारा का सारा फॉर्मूला, मतलब इंटीग्रेशन बनाने के लिए जितना भी फॉर्मूला आपको चाहिए सारा का सारा याद हो गया है। और साथ ही साथ अब तो इस क्वेश्चन से हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एंट्री हो चुका है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ इस तरह से सवाल दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको चाहे तो एक स्टेप ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, 2x लिखेंगे, फिर से dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 cos x और साथ ही साथ dx, फिर प्लस e to the power x है, इंटीग्रेशन में e to the power x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 है तो आगे लिखाएगा ही, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x² / 2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 3 को बाहर ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है, क्या हो जाएगा, sin x, फिर प्लस e to the power x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e to the power x हो जाएगा, फिर प्लस में c लिख देना है, ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, x² - 3 sin x प्लस e to the power x प्लस में c। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं आराम से। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx लिख लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 5 √x को हम लोग x^(1/2) लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी dx, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यह 2 है, 2 का एंड तो मल्टीप्लाई में, मतलब क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, फिर माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, माइनस में क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस, यहाँ 5 है तो 5 लिख लेना है। अब x^(1/2) है, x^(1/2) का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1 मतलब क्या, 3/2, प्लस में सही लिख देना है, ठीक है। यहाँ हो गया हम लोग का 2/3 x³, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 तो रहेगा ही यहाँ पे, फिर x^(1/2) यहाँ पे 1/2 + 1 मतलब 3/2, और यहाँ पर भी 3/2 प्लस में सी। अब फाइनल आंसर क्या हो गया, 2/3 x³ प्लस में 3 cos x, ठीक है, ये बाय वाला 2 जाके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, बाय में 3 x^(3/2 प्लस में सी, लीजिए आपका आंसर रेडी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला इंटीग्रेशन सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, sec x + tan x है, तो इसको पहले इंटू कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये sec²x हो जाएगा, फिर sec x * tan x, बीच में प्लस है तो प्लस, sec x * tan x क्या हो जाएगा, sec x * tan x हो जाएगा, फिर ये पूरे में क्या करना है हम लोग को, dx लिख देना है। अब क्या हो जाएगा, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, sec²x, ठीक है, sec²x dx, फिर प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ठीक है, और इसका में भी dx। अब आपको sec²x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, क्या होता है, tan x, sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, tan x, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x * tan x क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका sec x, क्या हो जाता है आपका sec x, और बीच में मतलब प्लस में क्या लगा देंगे, सी। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, इसको आप tan x + sec x + c भी लिख सकते हैं, या फिर बुक में बहुत सारा अरेंज करके sec x + tan x + c लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये अब ऊपर वाला छोड़ दीजिए या नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, sec²x / cos x²,
ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को आप वन बाय कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस स्क्वायर एक्स। और उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर एक्स को वन बाय साइन स्क्वायर एक्स, और इधर में क्या है डीएक्स। आपको पता है जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से ये जो कोस स्क्वायर एक्स है वो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ डीएक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर एक्स और साथ में डीएक्स। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, अब हम लोग का यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करना होगा। टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और साथ ही साथ डीएक्स। अब इसको आप कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स को एक बार डीएक्स, फिर माइनस में वन डीएक्स लिख सकते हैं आराम से। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला होता है टेन एक्स, ठीक है, क्या होता है टेन एक्स, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साथ ही साथ वन डीएक्स मतलब एक्स हो जाएगा, प्लस में सी लिख देना, यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं और भी लेके आते रहता हूँ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करना है हम लोग को, इसमें सीधा सीधे अलग अलग करके लिख देना है, टू बाय कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, फिर माइनस थ्री साइन एक्स तो है बाय में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरे में डीएक्स। अब अगला स्टेप में देखिए, ये टू को टू रहने दीजिए, वन बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टू सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस थ्री है, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम कोस एक्स इंटू कोस एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, और बाय में एक बार फिर से कोस एक्स बच जाएगा, ठीक है, तो कोस एक्स अगर बाय में बच गया तो वन बाय कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, ठीक है। अब ये पूरे को हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो पूरे को इंटीग्रेट देखिए आप डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है, और साथ में डी एक्स, ठीक है, टू आगे है कॉन्स्टेंट में तो कॉन्स्टेंट लगा दीजिए आगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस है तो माइनस, यहाँ थ्री कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को लिख लीजिए, फिर टेन एक्स इंटू सेक एक्स नहीं जानते हैं, बट सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो जानते हैं, दोनों तो सेम होता है, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सेक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक एक्स, प्लस में सी लगा देना, नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आ चुका है। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने लाइक होता है, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप कि आप लोग को ये सारा का सारा समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्लिक द शो लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोस।